कहा समाज ने दिया मुख्यमंत्री के ओएसडी को ज्ञापन। तीन सूत्रीय मांगों को जल्दी पूरी करने का दिया अल्टीमेटम। कुशवाहा समाज ने गुरुवार को राजाखेड़ा विधायक रोहित वोरा के नेतृत्व में जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें तीन सूत्रीय मांगों को शीघ्र ही पूरी करने की मांग की गई है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि कुशवाहा, काछी, साक्य समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा है। इस समाज का कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। ज्ञापन में वित्तीय प्रावधान के तहत लवकुश कल्याण बोर्ड का गठन करने, राज्य की सेवाओं में 12% आरक्षण देने और राज्य के प्रत्येक जिले में लवकुश छात्रावास तथा जयपुर में राज्य स्तरीय लवकुश छात्रावास के लिए भूमि आवंटित करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में वासुदेव कुशवाहा, भरतपुर प्रदेश सह संयोजक, धौलपुर के प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, धौलपुर के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रामहेत कुशवाहा, लक्ष्मण सिंह कुशवाहा, रोहित कुशवाहा सरपंच बसई नवाब, चित्र सिंह कुशवाहा बसई नवाब आदि कुशवाहा समाज के लोग मौजूद रहे। राम राम साहब। राम राम साहब। आज हम सब लोग सीएम हाउस में रोहित वोरा जी के माध्यम से देवाराम सैनी जी ओएसडी साहब को हम सब लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमने हमारी जो मुख्य मांग है लवकुश कल्याण बोर्ड की मांग है, उसके बाद में 12% आरक्षण और भी जो हमारी सारी मांगे हैं वो उसमें सारी सम्मिलित हैं। हमने कई सालों से हमारे आरक्षण की प्रक्रिया चली आ रही है, हाईवे जाम किए, उसके बाद महात्मा ज्योति फुले बोर्ड बना, हमारी मांग चली है लवकुश कल्याण बोर्ड की, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। हमने धौलपुर 17 तारीख को मीटिंग की, उसमें हमने घोषणा की 2 अगस्त को, उससे पहले हमारे लवकुश कल्याण बोर्ड की घोषणा नहीं हुई, तो हम हाईवे जाम भी कर सकते हैं, रेल की पटियां भी खोल सकते हैं। आज देवाराम सैनी जी से 151 सदस्यीय कार्यकारिणी रोहित वोरा के नेतृत्व में मिली। हमारी प्रमुख मांग थी कुशवाहा समाज के लिए लवकुश कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए और 12% आरक्षण जनसंख्या आधार पर और प्रदेश लेवल पर छात्रावास बनाए जाए और 2 तारीख से पहले बोर्ड का गठन किया जाए और ज्योतिबा फुले बोर्ड का विस्तार किया जाए। हम सब एक हैं, नहीं तो हम 2 तारीख को जो अल्टीमेटम दे चुके हैं उसको हम साकार करके बता देंगे। सरकार हल्के में ना ले, उन्होंने मैं आश्वासन भी दिया है कि 2 तारीख से पहले आपकी मांग मंजूर की कर जाएगी, नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़क जाम भी करेंगे, हम रेलवे ट्रैक भी जाम करेंगे। दिगंबर जैन समाज सेवा समिति ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। कर्नाटक में जैन समाज के मुनि महाराज की हत्या के विरोध में दिया ज्ञापन। कर्नाटक में पिछले दिनों जैन समाज के मुनि की हत्या होने के विरोध में जैन समाज राजाखेड़ा ने एकजुट होकर अपने प्रतिष्ठान बंद करने का ऐलान करते हुए आज गुरुवार को शांति मार्च निकाला। इसके बाद उपखंड कार्यालय पर एकजुट होकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम राजाखेड़ा तहसीलदार दिनेश चंद्र को एसडीएम के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया है कि जैन समाज के महान तपस्वी जैन आचार्य श्री काम कुमार नंदी महाराज के कर्नाटक के चिक्कोड़ी जिले के हीरेखोड़ी ग्रामीण क्षेत्र में एक गुरुकुल पार्श्वनाथ जैन आश्रम की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से वे लगभग 15 वर्षों से शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वह निकट के नंदी पर्वत आश्रम पर निवास भी करते थे, जिनकी 5-6 जुलाई में किन्नी अवांछित लोगों ने जबरन आश्रम में घुसकर उनसे मारपीट की, करंट लगाकर भीषण यातनाएं दी और फिर क्रूरतापूर्वक उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी। जैन समाज ने 5 सूत्रीय मांग भी रखी हैं, जिनमें मामले की सीबीआई से जांच कराने और फास्टैग कोर्ट में सुनवाई की मांग की है। जैन साधुओं के बिहार में तथा प्रवास में समुचित व्यवस्था हो, लंबे बिहार में हाईवे पर 5-6 किलोमीटर पर ठहरने की उत्तम व्यवस्था हो, वक्फ बोर्ड की तर्ज पर जैन आयोग का गठन किया जाए और जैन अचल तीर्थों की पूर्ण सुरक्षा की जाए। ज्ञापन देते समय सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के महिला पुरुष मौजूद रहे। कलेक्टर और एसपी ने ली पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक। आगामी त्योहार व विधानसभा चुनावों को लेकर दिए दिशा निर्देश। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बीसी के जरिए बाड़ी उपखंड के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पुलिस और प्रशासन समन्वय से काम करें। श्रावण मास के साथ आने वाले समय में मुहर्रम का त्यौहार है, ऐसे में विशेष सावधानी बरतें, कहीं पर किसी प्रकार की अप्रिय घटनाएं, अशांति ना हो, इसके प्रयास रहने चाहिए। गश्त व्यवस्था भी प्रभावी बनाई जाए, रात्रि के समय पुलिस का विशेष गश्त रहना चाहिए।
बैठक के दौरान जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने सभी अधिकारियों को सचेत किया कि आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि चुनाव प्रचार करेंगे और आम जनता से संपर्क करेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन की हर जगह चौकस निगाहें रहनी चाहिए। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी सलाह दी कि सभी उपखंडों में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, हल्का पटवारी, गिरदावर अपने अपने क्षेत्र में विशेष निगाह रखें और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित ना हो, इसके प्रयास रहने चाहिए। जैसे ही किसी प्रकार की कोई जानकारी मिले तुरंत प्रशासन और पुलिस को सूचना दें। बैठक के दौरान SDM गिरधर मीणा, CEO सुरेश डावरिया, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गब्बर मीणा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा के साथ अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आज श्रीमान कलेक्टर साहब और श्रीमान SP साहब धौलपुर द्वारा आगामी दिनों के त्योहार एवं कानून व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस आउट की गई थी। इसमें श्रीमान कलेक्टर साहब और SP साहब द्वारा जो उपखंड स्तर के अधिकारी और पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारी आपस में समन्वय बनाते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखे, इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आगामी दिनों जो विधानसभा चुनाव भी मतलब होने जा रहे हैं, उस संबंध में संयुक्त रूप से जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाइयाँ हैं वो संयुक्त रूप से की जाएगी और साथ ही निर्भीक और शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न हो, इस संबंध में तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दी गई है। जो भी राज्य सरकार के चुनाव आयोग के और श्रीमान SP साहब, कलेक्टर साहब, उनके द्वारा जो भी समय समय पर दिशा निर्देश मिलेंगे उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंगल को मात्र शोक, शुक्रवार को होगी उठावनी। धौलपुर जिले के बाड़ी निवासी वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंगल की माताजी प्रेमवती देवी का बुधवार शाम को अचानक तबीयत बिगड़ने से 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिनका आज गुरुवार को सुबह 10 बजे तुलसीवन मुक्तिधाम बाड़ी में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में सामाजिक, राजनैतिक एवं प्रशासनिक लोग पहुंचे, जिन्होंने माताजी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। फर्स्टैग प्रभारी वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंगल की माताजी प्रेमवती देवी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है, साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि माताजी को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा परिजनों को इस पहाड़ जैसे दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। उठावनी बैठक शुक्रवार को 3 से 4 बजे तक देव गार्डन सरमथरा रोड बाड़ी में होगी। सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ दिए जाते हैं अच्छे संस्कार। इस वर्ष 10वीं कक्षा में तुष्टि तिवारी के 95%, शुभम चौधरी 93%, ब्रजमोहन गुर्जर और ब्रजराज गुर्जर ने 91% अंक हासिल किए। 12वीं कक्षा में जतिन बघेल ने 99%, नेहा सिसोदिया ने 93%, पलित तिवारी और मनमोहन ने 91% अंक प्राप्त किए। अधिकांश छात्र छात्राएं फर्स्ट डिविजन पास। विगत कई वर्षों से लगातार अच्छा परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र संस्थान। संकाय जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। RTE के तहत कक्षा फर्स्ट में प्रवेश निशुल्क। व्यवस्थापक राजेश शर्मा, डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, ब्रजेश त्यागी, डॉक्टर संजय शर्मा। पता नाला वाला रोड, गंगा सिंह की चक्की के पास, जगदीश तिराहा, धौलपुर। देश के उच्च शिक्षण संस्थान में शामिल कमला महाविद्यालय धौलपुर, जहां कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर रामरजलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ गढ़े जाते हैं अच्छे संस्कार। वर्ष 2003 से लगातार ऊंचाइयों को छूने वाला एवं अच्छा परीक्षा परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र कॉलेज। 3 मंजिला विशाल कॉलेज भवन, स्मार्ट क्लासरूम, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, भौतिकी की स्मार्ट प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल, खेलकूद के लिए पर्याप्त स्थान, स्मार्ट लाइब्रेरी में सभी तरह की पुस्तकें उपलब्ध, राजस्थान सरकार से स्थायी मान्यता प्राप्त एवं महाराजा विश्वविद्यालय भरतपुर से स्थायी संबद्धता, कला स्नातक विज्ञान स्नातक के साथ भूगोल व रसायन विज्ञान में PG कक्षाएं संचालित, छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण, कॉलेज के मुख्य गेट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सत्र 2022-23 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन, स्कॉलरशिप की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी
तिवारी के नेतृत्व में जिले के धुरंधर व्याख्याताओं की टीम, शीघ्र ही नेक ग्रेड प्राप्त होने की संभावना, प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अध्यक्ष डॉक्टर राम रजलाल शर्मा, निदेशक डॉक्टर राजेश शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर पी एस तिवारी, पता गिरिराज कॉलोनी, छोटी रेलवे लाइन के पास, GT रोड, धौलपुर। संभागीय आयुक्त ने ली फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक, आम जन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। जिला प्रभारी सचिव एवं संभागीय आयुक्त सामरमल वर्मा ने राज्य सरकार की कल्याणकारी एवं फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निःशुल्क दवा एवं जाँच योजना, निरोगी राजस्थान, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, बाल गोपाल योजना सहित विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं के सफल क्रियान्वयन तथा आम जन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करें। संभागीय आयुक्त गुरुवार को कलेक्टर सभागार में राज्य सरकार की फ्लैगशिप एवं अन्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राज्य स्तरीय रैंकिंग में लगातार 2 माह से दौड़ के प्रथम स्थान आने के लिए पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि इसी प्रकार सतत रूप से प्रथम स्थान पर काबिज रहने के लिए निरंतर कार्य करें। उन्होंने निरोगी राजस्थान अभियान की समीक्षा करते हुए जिले के कार्यरत स्वास्थ्य मित्रों को क्रियाशील रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मित्रों का चयन महज कहानापूर्ति बनकर न रहे, विभिन्न विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं का इनके माध्यम से प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच एवं दवा योजना के पर्चों को पोर्टल पर इंदराज करना सुनिश्चित करें। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए चिकित्सा संस्थानों का नियमित निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करें। आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो इसके लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से जिले में खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग दिया जाना सुनिश्चित करें। बार बार किसी फर्म के खाद्य पदार्थ सब स्टैंडर्ड मिस ब्रांड पाए जाने पर संबंधित खाद्य लाइसेंस रद्द करना सुनिश्चित करें। जिले में कार्यरत दोनों खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कार्य क्षेत्र निर्धारित करें, साथ ही समय समय पर बदलाव करना सुनिश्चित करें। जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारी अपने क्षेत्रों में इंदिरा रसोइयों का नियमित रूप से निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान खाने के मेन्यू तथा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए संसाधनों की जांच करना भी सुनिश्चित करें। प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत लंबित पट्टों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की जानकारी विद्यालय तथा महाविद्यालय के विद्यार्थियों को देना सुनिश्चित करें। योजना का जितना प्रचार प्रसार होगा उतना ही जिले के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के तहत वन विभाग तथा अन्य विभागों के कार्य करवाने एवं समय समय पर मॉनिटरिंग करने व कार्य की उपयोगिता के अनुसार करवाने व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग के अंतर्गत यूनिफॉर्म वितरण योजना एवं बाल गोपाल योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि बाल गोपाल योजना के अंतर्गत दुग्ध वितरण कार्य की विभागीय अधिकारी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें। सभी विभागीय अधिकारियों को दिए गए लक्ष्यों के अनुरूप पौधारोपण करवाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, उड़ान योजना तथा पोषाहार वितरण की नियमित मॉनिटरिंग करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में पंजीकरण करवाने की अंतिम तिथि 25 जुलाई कर दी गई है। जिले में अधिक से अधिक खिलाड़ियों का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। संभागीय आयुक्त ने बैठक में उद्योग, श्रम, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, सहकारिता, रसद, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नरेगा, पर्यटन सहित अन्य विभागों की बिंदुवार समीक्षा की एवं 100% लक्ष्य प्राप्त करने के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री बजट घोषणा से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने समीक्षा बैठक में राज्य सरकार द्वारा संचालित खाद्य सुरक्षा, सिल्कोसिस नीति, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना सहित मनरेगा जैसी विभिन्न योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करते हुए 100% लक्ष्य प्राप्ति हेतु विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजकुमार काशवा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम यादव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंतीलाल मीणा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरबीर सिंह सिकरवार सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अब धौलपुर में ही होगा पानी की टंकियों का निर्माण, जिले के दर्जनों लोगों को मिलेगा रोजगार। रीको में हुआ फैक्ट्री का शुभारंभ। रीको धौलपुर में बुधवार शाम को घर की छतों पर रखी जाने वाली पानी की टंकी का निर्माण करने वाली फैक्ट्री का शुभारंभ हुआ, जिससे अब न केवल धौलपुर जिले के दर्जनों युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि टंकी का निर्माण स्थानीय स्तर पर होने के कारण धौलपुर जिले वासियों को अन्य कंपनियों की पानी की टंकी से सस्ती कीमत में अच्छी क्वालिटी की पानी की टंकी मिलेगी। इस कंपनी का नाम वाटरवीर है। खास बात यह है कि यह धौलपुर जिले का पहला प्लांट है।
जो यहां पानी की टंकियों का निर्माण करेगा, जिससे न केवल लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि सस्ती दर पर अच्छी क्वालिटी की घरों की छतों पर रखी जाने वाली पानी की टंकियां मिल सकेंगी। फैक्ट्री के डायरेक्टर माधव शर्मा ने बताया कि धौलपुर जिले में हम यह नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। हमारा उद्देश्य है कि अपने धौलपुर जिले वासियों को सस्ती दर पर अच्छी क्वालिटी की पानी की टंकी उपलब्ध कराएं तथा अपने यहां के लोगों को यहीं पर रोजगार दें, ताकि उन्हें रोजगार की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़े। माधव शर्मा ने बताया कि यह पानी की टंकी उच्च गुणवत्ता वाली है, जो 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर और 5 लेयर में बनाई गई है। इसलिए जिसको जितनी लेयर की टंकी चाहिए उसे उतनी लेयर की मिल जाएगी। यह ISO मार्का है, इसकी 5 साल की वारंटी है। ये टंकी 300 लीटर, 500 लीटर, 750 लीटर और 1000 लीटर में उपलब्ध है। फैक्ट्री संचालक माधव शर्मा ने बताया कि यह 100% प्योर मटेरियल से बनी है, जो बैक्टीरिया रहित है और UV रेंज प्रोटेक्ट है, जिससे सूर्य की किरणों का इस पर कम प्रभाव पड़ेगा। उद्घाटन समारोह में फैक्ट्री प्रबंधन के अलावा बड़ी संख्या में धौलपुर जिले के व्यापारीगण मौजूद रहे। धौलपुर राजाखेड़ा मार्ग के लिए 9 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। सांसद राजौरिया ने PM मोदी और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री गडकरी का जताया आभार। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने धौलपुर राजाखेड़ा मार्ग के केंद्रीय रोड फंड से निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपए स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिवहन मंत्री का आभार जताया है। सांसद राजौरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा धौलपुर से राजाखेड़ा सड़क मार्ग के लिए केंद्रीय रोड फंड से 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी धौलपुर में बाड़ी सेंपव मार्ग पर पार्वती नदी पर केंद्रीय रोड फंड से स्वीकृत 8 करोड़ रुपए की लागत से सबमर्सिबल पुल का निर्माण कार्य चालू है। केंद्र सरकार द्वारा कराए जा रहे इन विकास कार्यों के लिए धौलपुर राजाखेड़ा क्षेत्र की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी का हार्दिक आभार प्रकट किया। धौलपुर में हुई हुंडई की एक्स्टर कार की भव्य लॉन्चिंग। सभापति खुशबू सिंह ने फीता काटकर व पर्दा उठाकर की लॉन्चिंग। श्री शकुन हुंडई धौलपुर पर आज गुरुवार को हुंडई कंपनी की बहुचर्चित एवं खूबियों से भरी कार एक्स्टर की भव्य लॉन्चिंग की गई। समारोह में नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह और डायरेक्टर कृष्ण मुरारी अग्रवाल ने फीता काटकर तथा कार से पर्दा उठाकर कार की लॉन्चिंग की। इस दौरान सभापति खुशबू सिंह ने कार का अवलोकन किया और कहा कि यह कार काफ़ी खूबसूरत है और इसमें अपार खूबियाँ हैं। इतनी सस्ती कीमत में इस कार में बहुत सारी खूबियाँ दी गई हैं, जिस कारण ये कार धौलपुर में धूम मचाएगी और इसकी बिक्री खूब होगी, क्योंकि इसमें CNG, पेट्रोल और डीजल सभी मॉडल उपलब्ध हैं और इतनी कम कीमत में इससे सनरूफ भी दिया गया है। वहीं डायरेक्टर कृष्ण मुरारी अग्रवाल ने कहा कि यह कार कॉम्पैक्ट SUV की रेंज में है तथा इसमें तमाम प्रकार की नई टेक्नोलॉजी और खूबियाँ हैं, जिसमें डबल डैश कैम कैमरा विद रिकॉर्डिंग, टेलीमेट्रिक बटन, ब्लू लिंक, क्रूज कंट्रोल, पेडल शिफ्टर तथा अन्य कई सेफ्टी फीचर हैं। ये कार 1.2 लीटर इंजन 4 सिलेंडर के साथ उपलब्ध है। इस कार की शुरुआत कीमत 5,99,000 रुपये है। मार्केट में इतने फीचर जैसे कॉम्फर्टेबल इंजन और इस प्राइस के साथ ये एक्स्ट्रा कार बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाने की क्षमता रखती है। शोरूम के मैनेजर दुष्यंत सक्सेना ने बताया कि यह कार बहुत खूबियों से भरपूर है, इसलिए मैं सभी जिलेवासियों से अपील करता हूं कि वे कैंतरी रिसोर्ट के बगल से GT रोड धौलपुर पर स्थित हमारे शोरूम पर आकर एक बार कार का अवलोकन जरूर करें। मैनेजर दुष्यंत ने कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में GM समीर जैन सर्विस, सेल्स मैनेजर ज्योतेंद्र सिंह व अन्य स्टाफ मौजूद रहा। समारोह में आए लोगों ने कार की काफ़ी प्रशंसा की। सबसे पहले तो मैं सभी धौलपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज श्री शकुन हुंडई कैथरी रिसोर्ट पर हमने एक गाड़ी की लॉन्चिंग की है, जो जिसका नाम है एस्टर। पूरी इंडिया के अंदर 25,000 गाड़ियाँ हमारी बुक हो चुकी हैं। हमारे भरतपुर के अंदर 18 गाड़ी बुक हो चुकी है, 3 गाड़ी हमारी धौलपुर में भी बुक हुई है। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। आज के दिन हमने धौलपुर के अंदर ये गाड़ी को लॉन्च किया है, जहाँ धौलपुर की नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह जी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया, इनोग्रेशन किया और उन्होंने को हमने जब इनकी सारी फीचर बताए, उन्होंने काफ़ी इसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि धौलपुर में हमें ऐसी ही गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी, जो अब हमारी पूरी हो गई। अब अधिक मास चल रहा है, उसके बाद जैसे जैसे लोगों की निगाह में यह गाड़ी आएगी तो ये गाड़ी काफ़ी बिकेगी। उन्होंने इसकी गाड़ी की भूर प्रशंसा की। आज काफ़ी गणमान्य व्यक्ति धौलपुर के आए,
जिसमें हमारे कर्नल साहब थे, प्रधान साहब थे, जिनसे मैं कुछ से परिचित था, कुछ से अपरिचित था, पर उन्होंने सबने सहयोग और समय बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने कहा कि गाड़ी वास्तव में बहुत शानदार है। और मैं आप धौलपुर वालों से सभी से निवेदन करूंगा, एक बार गाड़ी देखने जरूर आए। 5,99,000 की स्टार्टिंग प्राइस है और इसके अंदर इतने फीचर्स हैं जो मतलब अदर्स कोई भी मैन्युफैक्चरर इतने फीचर्स को दे नहीं सकता। इस रेट पर हमारी कंपनी ने ऐसी रेट निकाली है, बहुत ही शानदार रेट और बहुत कम किफायती रेट पर निकाली है। सर्प के डसने से 15 वर्षीय बालक की मौत, आंगई क्षेत्र के धनुपुरा गांव की घटना। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड में आंगई थाना क्षेत्र के धनुपुरा गांव में सर्प दंश से 15 वर्षीय बालक की मौत का मामला सामने आया है। मृत बालक खेत पर कृषि कार्य करने गया हुआ था, उसी दौरान बालक को खेत पर सांप ने डस लिया। घटना की जानकारी लगते ही परिजन बालक को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक बालक अमित कोहली पुत्र केशव कोहली उम्र करीब 15 वर्ष गांव धनुपुरा आंगई थाना क्षेत्र का निवासी था, जो कि बुधवार शाम अपने खेत पर कृषि कार्य करने गया हुआ था। उसी दौरान बालक को पेड़ के पास घास के नीचे छिपे सांप ने काट लिया। बालक को सर्प के काटने की जानकारी मिलते ही परिवार वाले बालक को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर आंगई थाना पुलिस ने बालक के शव को कब्जे में लेकर सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृत बालक के शव का डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद से बालक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अभी सुबह 10 बजे पुलिस एक बच्चे को ले आई, मृत था और उसने बताया घर वालों ने सर्प काटने से हुआ है, तो उसको आंगई ले गए। आंगई मोर्चरी की व्यवस्था थी नहीं, तो इसलिए आंगई पुलिस यहाँ पे लेके आई। यहाँ हमने उसका मुआयना किया तो वो सर्प काटने पाया गया, उसका पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंप दिया। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर, यहां है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल, यहां बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार भी पैदा करता है। जिले की टॉप फैकल्टी सिर्फ शारदे विद्यापीठ में उपलब्ध। इस वर्ष कक्षा 10th में अमन दुबे ने 97%, रिया शर्मा 95%, रुचि दुबे 95%, विवेक गुर्जर 94%, कक्षा 12वीं कला वर्ग में तनु परिहार ने 94%, योगिता शुक्ला में 92%, रामब्रज बघेल ने 92%, विज्ञान वर्ग में कंचन शर्मा ने 92%, वाणिज्य वर्ग में सुहारिया खान व अदिति शर्मा ने 91% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में टॉप किया। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक, पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर, एडमिशनों पर सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें प्रधानाचार्य टीडी चौधरी, व्यवस्थापक संग्राम पंडित, शारदे मसबा की सब बस। आरक्षण सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में गुरुवार को कुशवाह, माली, सैनी, शाक्य, मौर्य समाज ने आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव को ज्ञापन दिया, जिसमें लवकुश बोर्ड गठन, उदयपुर बाटी में समाज के एक परिवार को न्याय दिलवाने के दौरान धरना प्रदर्शन में
दर्ज एफआईआर को वापस लिए जाने, अरोदा आंदोलन के दौरान हलेना थाने में दर्ज एफआईआर को वापस लिए जाने, महात्मा फुले फाउंडेशन के निर्माण एवं कुशवा माली सैनी शाक्य मौर्य समाज को 12% आरक्षण सहित अन्य मांगों को पूरी करने के लिए समाज द्वारा आंदोलन किए गए हैं, समय समय पर ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक समाज के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई है। समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही इन मांगों को नहीं माना गया तो आगामी 10 अगस्त को शहीद स्मारक पर इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। इस दौरान देवी चरण, रामवीर, राजाराम, सियाराम, जगदीश, रामदास, द्वारका आदि लोग मौजूद रहे। दो दिवसीय धौलपुर दौरे पर रहेंगे प्रदेश मंत्री भानु प्रताप। 21 एवं 22 जुलाई को वरिष्ठ भाजपा नेता नवनियुक्त प्रदेश मंत्री भानु प्रताप सिंह राजावत धौलपुर के दो दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। जानकारी देते हुए करणी सेना के जिला संरक्षक धौलपुर शिवशंकर परिहार ने बताया कि शुक्रवार सुबह 11 बजे रजौरा खुर्द टोल पर भाजपाई उन्हें रिसीव करेंगे। इसके बाद सेपोबो जिला भाजपा कार्यालय धौलपुर पर नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। मंत्री भानु प्रताप धौलपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा मनरेगा कार्य। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 19 के अनुसार 8 घंटे की कार्य अवधि में 1 घंटे का विश्राम काल निर्धारित है, लेकिन अब मनरेगा कार्य के समय में परिवर्तन हुआ है। अधिशासी अभियंता रामबोल सिंह ने बताया कि जिले में गर्मी के मौसम को देखते हुए मनरेगा की कार्य अवधि सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया था, लेकिन अब गर्मी का मौसम समाप्त हो गया है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा मनरेगा कार्य का समय 21 जुलाई से पुनः सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। पुलिस ने चोरी हुई बोलेरो गाड़ी को बदमाशों से छुड़ाया। 7 दिन पहले नादनपुर गाँव से हुई थी चोरी। धौलपुर जिले में बसेड़ी क्षेत्र के नादनपुर गांव से 13 जुलाई की रात ओमवीर सिंह परमार के घर के सामने खड़ी बोलेरो गाड़ी को अज्ञात बदमाश चोरी करके ले गए थे। घटना की जानकारी सुबह के समय गाड़ी मालिक ओमवीर सिंह परमार को हुई तो उसने पुलिस को सूचना दी और चोरी का मामला दर्ज कराया। उसी मामले में नादनपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आज गुरुवार को बयाना थाना इलाके के गाँव शमोगर फौजी होटल के पास से चोरी हुई बोलेरो गाड़ी को बरामद किया है। नादनपुर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल राजेंद्र शर्मा ने बताया कि वाहन मालिक ओमवीर सिंह परमार ने बोलेरो गाड़ी चोरी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वाहन के टायर के मिले निशान से मुखबिरों को अलर्ट किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की गई बोलेरो गाड़ी हिंडौन से बयाना की ओर जा रही है, तभी पुलिस को आते देखकर बदमाश बोलेरो को बयाना थाना इलाके के गाँव समोगर फौजी होटल के पास छोड़कर भाग गई। पुलिस ने बोलेरो गाड़ी जब्त करते हुए बदमाशों की तलाश में जुट गई है। जरिए मुखबिर सूचना मिली कि उक्त बोलेरो गाड़ी RJ11UA2983 हिंडौन से बयाना की तरफ जा रही है, जिस पर मन हड़तानी द्वारा गांव समोगर के पास पहुंचा, जब उक्त बोलेरो गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी, अज्ञात चोर गाड़ी को छोड़कर भाग गए। उक्त बोलेरो को मौके पर ही जब्त किया गया। साइकिल टच होने पर युवकों ने छात्र की कर दी पिटाई, लात घूंसों से मारपीट कर डंडे से फोड़ा सिर। धौलपुर जिले में बाड़ी शहर के गर्ल्स स्कूल के पास गुरुवार को 10वीं कक्षा के छात्र की साइकिल एक युवक से टच क्या हो गई, हंगामा ही खड़ा हो गया। युवक ने अन्य के साथ मिलकर छात्र की लात घूंसों से न केवल मारपीट की बल्कि डंडे से उसके सिर को फोड़ दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन घायल छात्र को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसका उपचार कराया गया। घायल छात्र के पिता ने कोतवाली थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के किड्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 10वीं कक्षा का छात्र दिलप्रीत पुत्र जसवंत सिंह निवासी धोराबाग गुरुवार को दिन में स्कूल से बालिका विद्यालय के पास भूख लगने पर ढकेल से पोहे का नाश्ता लेने आया था, तभी छात्र की साइकिल अचानक से पास में खड़े एक युवक से टकरा गई। इसके बाद युवक ने छात्र की थाप थप्पड़ों से मारपीट कर दी। जब छात्र ने इसका विरोध किया तो पास में खड़े युवक के अन्य साथियों ने लात घूंसों से उसकी जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उक्त युवकों ने डंडे से छात्र के सिर में भी वार किया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं।
घटना के दौरान जब मौके पर भीड़ जमा हो गई तो लोगों ने समझा इसकर छात्र को युवकों से छुड़ाया और उनके हमलों से बचाया। इस दौरान उक्त सभी युवक मौका पाकर भाग गए। घटना के बाद छात्र के परिजन मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल लेकर गए। इसके बाद घायल छात्र दिलप्रीत के पिता जसवंत सिंह निवासी धोराबाग ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया और कार्रवाई की मांग की। मेरा नाम दिलप्रीत है। मैं किस स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं 10th क्लास में हूँ। मैं गर्ल्स स्कूल के आगे पोहे खाने के लिए रुका था। वहाँ पे मेरे दोस्त एक साइकिल लेके मेरा गया था। थोड़ी देर के लिए दोस्त से साइकिल एक बच्चे के पैर में लग गई तो उसने साइकिल से खींच के लात मारी। मैंने कही ऐसे लात ढूंढा मारोगे तो इतने में वो उसमें देने लगे। दो जने थे, मैं अकेला था। ये वारदात थी। 10 घंटा के जो आपके बच्चों को देता है NCERT के पाठ्यक्रम द्वारा अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विभिन्न रोचक एक्टिविटीज के साथ पढ़ाई करना। DMIT डेवलपमेंट एवं बच्चों का सभी प्रकार का बौद्धिक तथा शैक्षिक विकास करने पर हमारा फोकस। ग्रेट टीचर और स्कूल स्टाफ जो बच्चों को नई तकनीक से देते हैं अच्छा शैक्षणिक माहौल। बस यही वह पैमाना है जो हमें बनाते हैं सबसे अलग और आपके बच्चों को देते हैं एक बेहतर कल। रेगुलर डांस क्लासेस, AC क्लासरूम, RO वाटर आदि की सुविधा उपलब्ध। आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। पता: डॉक्टर सीताराम बंसल हॉस्पिटल के पास, भवा साहब का बाड़ा, स्टेशन रोड, धौलपुर। अब भारत और विदेश से करें MBBS डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन। सस्ती और भरोसेमंद संस्था, इंडिया से 40 लाख में एडमिशन पाएं कंप्लीट MBBS। विदेश से 18 लाख में एडमिशन पाएं कंप्लीट MBBS। शुद्ध शाकाहारी भारतीय खाने की सुविधा उपलब्ध। टॉप मोस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय MNC एंड WHO। एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें गुरुकुल एजुकेशन। पता: ऑफिस नंबर 304 एवरशाइन टावर, नियर आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर। संजीव मिश्रा होंगे धौलपुर नगर परिषद फेडरेशन के नए अध्यक्ष। गुरुवार को नगर परिषद धौलपुर की कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गठित कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि धौलपुर नगर परिषद फेडरेशन के नए अध्यक्ष संजीव मिश्रा होंगे, वहीं जितेंद्र शर्मा उपाध्यक्ष होंगे। इसके साथ ही कार्यकारिणी में होतम सिंह कोषाध्यक्ष, अनीता कुमारी महासचिव, नीरज शर्मा संगठन मंत्री, विशाल गुर्जर प्रचार मंत्री, दीपक कुमार सचिव मनोनीत किए गए। इस दौरान सभी नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर नगर परिषद धौलपुर के JEN आशीष भी मौजूद रहे। पुलिस ने अवैध चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। बजरी माफिया को भी किया गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी के खनन व परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। साथ ही मौके से एक बजरी माफिया को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी अनिल जसौरिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर धौलपुर रेलवे स्टेशन के पास कार्रवाई की, जहां बजरी माफिया का पीछा करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। इसके साथ ही बजरी माफिया को भी धर दबोचा है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी जसौरिया ने बताया कि इस कार्रवाई में रेल चौकी प्रभारी मोहनलाल मीणा की अहम भूमिका रही है। आज दोपहर एक सही रोल चौकी इंचार्ज श्री मोहन सिंह द्वारा एक अवैध रेता बजरी के ट्रैक्टर को पकड़ा गया, जिसमें ड्राइवर रामनिवास निवासी बुढ़ा को भी गिरफ्तार किया गया। और इस तरह से अवैध रेता बजरी के खिलाफ लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी। दिन जारी रहा नर्से संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता व नर्सिंग ट्यूटर के पदनाम परिवर्तन की उठाई मांग। नर्से संयुक्त संघर्ष समिति धौलपुर के जिला संयोजक हरिशंकर शर्मा एवं अमृतलाल द्रोण ने बताया कि तीसरे दिन भी जिला अस्पताल धौलपुर के सामने स्थित पार्क में कैलासी लाल ब्राह्मी एवं पूरन सिंह सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की अध्यक्षता में नर्से संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर धरना जारी रखा। आज गुरुवार को 11 सूत्री मांगों में से प्रमुख मांग महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं नर्सिंग ट्यूटर के पदनाम परिवर्तन एवं पदोन्नति के अवसर बढ़ाने की मांग को लेकर चर्चा की गई, तथा साथ ही संविदा से नियमित नियुक्त नर्सेज को नियुक्ति तिथि से नोशनल लाभ देकर सर्विस काउंटर करते हुए नियमित नर्सेज की तरह उनको सभी परिलाभ दिए जाने की मांग की गई। इसके साथ ही नर्से संवर्ग कैडर का पुनर्गठन, संविदा नर्सेज का नियमितीकरण एवं प्लेसमेंट एजेंसी से भर्ती पर पूर्णता प्रतिबंध,
नर्सिंग निदेशालय की स्थापना, हार्ड ड्यूटी एवं नर्सिंग अलाउंस में बढ़ोतरी व नर्सिंग अलाउंस अलग से देने की मांग, नर्सेज को दवाई लिखने का अधिकार, उच्च शिक्षा स्तरीय नर्सेज को दो अलग से इंक्रीजमेंट देने, ड्रेस कोड परिवर्तन, सेवारत नर्सेज को विभागीय उच्च प्रशिक्षण, नर्सेज शिक्षा सेवाओं का शुद्धिकरण आदि मांगों को लेकर धरने में विभिन्न नर्सेज ने संबोधित किया। इस मौके पर राकेश शर्मा, बनवारी लाल मित्तल, मुकेश शर्मा, विनोद चौधरी, धर्मेंद्र सेन, विकास त्यागी, अजय पूनिया, राजीव शर्मा, शिषपाल चौधरी, लाखन सिंह आदि नर्सेज शामिल रहे। धरने को नेत्र सहायक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष केशव त्यागी एवं सहायक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भगत सिंह के द्वारा समर्थन दिया गया। आगामी छात्र संघ चुनावों को लेकर NSUI ने की बैठक, PG कॉलेज की इकाई कार्यकारिणी का हुआ गठन। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI की बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के छात्र संघ परिसर में किया गया, जिसमें आगामी छात्र संघ चुनावों को लेकर संगठनात्मक चर्चा की गई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी एवं प्रभारी गुरजोत संधु के निर्देश अनुसार महाविद्यालय प्रभारी किशोर कुमार शर्मा ने राजकीय महाविद्यालय धौलपुर की इकाई कार्यकारिणी का विस्तार किया। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने संगठन की रीति नीति से अवगत कराया एवं NSUI की विचारधारा से अधिक छात्र छात्राओं को जोड़ने का आग्रह किया। साथ ही नव दायित्ववान पदाधिकारियों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। प्रभारी किशोर कुमार ने कहा कि संगठन एक परिवार की तरह है, इसमें सभी छात्र छात्राओं को आपसी तालमेल बनाए रखते हुए सदैव छात्रहित, समाज हित और राष्ट्र हित के लिए तत्पर रहना चाहिए। छात्र संघ अध्यक्ष सोनू गुर्जर ने कहा कि संगठन को सदैव सर्वोपरि मानते हुए हमें कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर गठित की गई राजकीय महाविद्यालय की इकाई कार्यकारिणी में इकाई अध्यक्ष प्रदीप गुर्जर, उपाध्यक्ष हिमानी उपाध्याय, आशीष रहल, अमरकांत, श्यामवीर सिंह, महासचिव रामब्रज कंसाना, मोहिन खान, यशवीर, प्रीतेश कौल तथा सचिव साहिबा, बलदीप सिंह, राजा माहौर, संदीप, सचिन, कुलदीप गोस्वामी, सौरभ शर्मा तथा NCC प्रभारी नीलम माहौर, मीडिया प्रभारी अमरीश, NSS प्रभारी राहुल कुशवाहा को मनोनीत किया गया। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र CBSE एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुल्ली AC और डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में, बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर भी कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब। क्लास PG से 10th तक के एडमिशन ओपन। CBSE न्यू दिल्ली से संचालित विद्यालय। पता, आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। पापा, इतनी गर्मी में कैसे होगी पढ़ाई? फिर मत बोलना अच्छे नंबर लाना। क्या करें बेटा, गर्मियों में फिर से शुरू हो गया ये पावर कट का ड्रामा। सिर्फ हमारी तो नहीं गई, जरा बगल में झांक के आना। लगता सिर्फ मेरे घर की लाइट गई है, बिजली नहीं आई तो क्या करें इस मेरे एग्जाम में। अरे रमेश भाई, बिजली यहाँ भी नहीं है। मेरी मानो, ये सब चक्कर छोड़ो, आप ईस्टमैन का होम UPS घर ले आओ। बिजली जाने का डर छू मंतर। जैसे ही ईस्टमैन होम UPS घर के अंदर। सही है, ईस्टमैन, बेटर परफॉर्मेंस टुगेदर, जो देता है 36 महीने की वारंटी साइनो होम्स UPS पे, 15 साल की वारंटी ड्यूरोटेक बैटरी पे और सर्विस 365 दिन। बैटरी एवं इन्वर्टर खरीदने के लिए संपर्क करें वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस, धौलपुर और मनिया। पता, बूंदे खां मार्केट, मस्जिद के पास, बस स्टैंड, धौलपुर। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध बिना किसी ब्याज दर के। दर्ज परिवादों का संवेदनशीलता के साथ करें निस्तारण, संभागीय आयुक्त सावरलाल। जिला स्तरीय सुनवाई में अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। माह के प्रत्येक तृतीय गुरुवार को होने वाली जिला स्तरीय जनसुनवाई राजीव गांधी सेवा केंद्र धौलपुर में संभागीय आयुक्त सावरलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुई।
जिले के सभी उपखंडों से संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। संभागीय आयुक्त ने कहा कि परवादियों द्वारा दर्ज किए गए परवादों का प्रशासन एवं संबंधित अधिकारी संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करें। परवादी सोवरण सिंह, जीवन सिंह, कुमेर सिंह, अमर सिंह ने अपनी भूमि पर स्थगन आदेश के बावजूद चल रहे अवैध निर्माण कार्य को रुकवाने का मामला प्रस्तुत किया। उक्त मामले में संभागीय आयुक्त ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को प्रकरण की जांच करवाने के लिए निर्देशित किया। परवादी सुनीता पत्नी योगेंद्र सिंह निवासी गांव सियाराम का पुराने अपनी जमीन पर अतिक्रमण का मामला संभागीय आयुक्त के समक्ष रखा, जिस पर उन्होंने एसपी धौलपुर उपखंड अधिकारी धौलपुर को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। परवादी कृष्ण मोहन ने साफ सफाई एवं रेलवे स्टेशन से जेल रोड तक सड़क मरम्मत कराए जाने के संबंध में परवाद रखे, जिस पर नगर परिषद धौलपुर को साफ सफाई करवाने के निर्देश दिए। परवादी नरेंद्र सिंह पुत्र बीदाराम निवासी बूढ़ा ने उसके द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर कार्रवाई न किए जाने के संबंध में बताया, जिस पर संभागीय आयुक्त ने एसपी धौलपुर को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। परवादी भावना निवासी सुंदर कॉलोनी ने छात्रवृत्ति की राशि न मिलने के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए एवं प्रार्थी को कार्यवाही का आश्वासन दिया। इसके साथ ही परवादी बेबी राजा राणा और सुमन कुमारी ने नगर परिषद द्वारा नीलामित जमीन का पट्टा न मिलने के कारण उनके द्वारा अदा की गई राशि की प्रतिपूर्ति न होने का परवाद रखा, जिस पर संभागीय आयुक्त ने नगर परिषद आयुक्त को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों की जांच कराकर अतिक्रमणियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। संभागीय आयुक्त ने कहा कि पिछली जनसुनवाई के परवादों के निस्तारण की स्थिति जानें एवं इसकी समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने सभी उपखंड अधिकारियों को संपर्क पोर्टल, लंबित मामलों के निस्तारण, जनसंवाद, वीडियो कॉन्टेस्ट का प्रचार प्रसार सहित आवश्यक निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजकुमार कशवा सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। एडीएम ने ईवीएम बीपीपैट वेयर हाउस का किया निरीक्षण। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजकुमार कासवा ने गुरुवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम बीपीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया। उनके द्वारा ईवीएम वेयर हाउस की सुरक्षा से संबंधित निरीक्षण किया गया। उन्होंने वेयर हाउस स्थित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के रखरखाव, सीसीटीवी कैमरे, अग्नि से सुरक्षा, परिसर की सुरक्षा सहित सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी बिंदुओं के निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा एवं भाजपा मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, जिला अध्यक्ष बसपा अमर सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना की जिला कार्यकारिणी गठित। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मैड़ी व प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार के आदेशानुसार धौलपुर जिला अध्यक्ष अजयराज परमार ने जिला संरक्षक शिवशंकर परिहार की अनुशंसा पर जिला कार्यकारिणी घोषित की है, जिसमें महासचिव पद पर संजीव गहलोत, रामलखन सरपंच, हरिओम तोमर, जिला उपाध्यक्ष सुधीर परमार, दीपक परमार, श्याम परमार, सचिव योगेंद्र सिसोदिया, हेमंत जादौन, प्रवक्ता मुनेन्द्र सिसोदिया, श्याम सिंह तोमर, मीडिया प्रभारी सुनील सिसोदिया, रघुनंदन परमार, कार्यालय प्रभारी प्रमोद परमार, कोषाध्यक्ष जितेंद्र परमार, बल्लू ठाकुर, ब्लॉक अध्यक्ष राजाखेड़ा राय सिकरवार को, मनिया सूर्य सिसोदिया को, धौलपुर मोती परमार को, बाड़ी अजय परमार को, बसेड़ी जितेंद्र सिंह को और सरमथुरा भोलू परमार को सैंपो ब्लॉक की जिम्मेदारी सौंपी है। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।